हेलो गाइस, मैं आपके लिए जीएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले जो वीडियो बनाए हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कितने नंबर का होता है। ठीक, तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर में पूछा गया है, 3 क्वेश्चन है ए बी सी करके। ठीक, इसमें फर्स्ट 2 नंबर का है और बी का 5 नंबर का और सी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दिख रहा होगा। इसी तरह 2 नंबर में भी आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा ए बी सी करके, जो पहला 3 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का और 7 नंबर का। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला डिफाइन द फ्लोइंग, निम्नलिखित की परिभाषा लिखे, जिसमें 10 है। ठीक, ये 10ों का परिभाषा लिखना है, प्रत्येक पर 1.5 नंबर दिया गया है, इस तरह से आपका 15 नंबर हो गया टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ आपको कॉलम ए में दिख रहा होगा 10 ऑप्शन, तो आपको अच्छा सा दिख रहा होगा कॉलम ए में 10 ऑप्शन। ठीक, उसी तरह कॉलम बी में 10 ऑप्शन दिख रहा होगा जिसको कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है। ठीक, तो आपका पहला है इसमें टाइफाइड, टाइफाइड का हो जाएगा वाटर बॉर्न डिजीज, टाइफाइड क्या हो जाएगा वाटर बॉर्न डिजीज, जल के संदूषण से फैलता है, एक का हो जाएगा एच। ठीक, उसके बाद है लोहा, लोहा आयरन का क्या हो जाएगा, तो आयरन का हो जाएगा रक्तहीनता, एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा रक्तहीनता, तो ये आपका हो जाएगा एच के बाद, यहाँ देखिए 9 लिखा गया तो इसमें स्प्रिंट हो गया, एच के बाद आई होगा, यहाँ जे होगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका आई। उसके बाद आपका जनसंख्या नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन के लिए आपका सरकार ने क्या चलाया था, फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग तो आपका ये हो जाएगा जे इसका। ठीक, उसके बाद लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन कौन होता है, मिसेल, मम्स और रूबेला, ये क्या होता है वैक्सीन होता है, लाइव वैक्सीन होता है, तो इसका हो जाएगा बी। उसके बाद आपका है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का क्या हो जाएगा ए भी एड्स, ए भी एड्स क्या हो जाएगा हेल्थ शिक्षा, ए नंबर। इसके बाद है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होता है इसमें, तो एंटीसेप्टिक में आपका हो जाएगा डिटोल, डिटोल सी। उसके बाद आपका कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है आपका टिटेनिंग, टिटेनिंग आपके कैल्शियम की कमी से होता है, तो इसका हो जाएगा डी। उसके बाद है, उसके बाद आपका है जेरियाट्रिक, जरा चिकित्सा, तो जरा चिकित्सा का आपका क्या हो जाएगा, जिसका एज 50 वर्ष से ऊपर हो जाता है उसमें क्या होता है जरा चिकित्सा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ई। उसके बाद है आपका क्वारंटाइन, क्वारंटाइन में आपको क्या किया गया था, स्पर्शोन्मुखन व्यक्ति का पृथककरण, पृथककरण किया गया था अलग अलग एक दूसरे से, 9 का आपका हो जाएगा जी। उसके बाद आपका है 10 में आपका है हेलुसिनेजन, हेलुसिनेजन फॉल्स प्रिसिपिटेशन गलत धारणा, तो गलत धारणा आपका क्या होगा दृष्टि भ्रम। ठीक, तो ये आपका एफ हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो, तो इसमें पहला है फुल फॉर्म ऑफ द डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड, एच फॉर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रत्येक पर 1.5 नंबर है, इसलिए टोटल हो गया 15 नंबर 10 क्वेश्चन है। ठीक, इसमें 5 नंबर में। दूसरा है पीएचसी कवर डैश पॉपुलेशन, पीएचसी कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, तो इसका हो जाएगा 20,000 से 30,000, 20,000 आपका होगा हिली एरिया, पर्वतीय एरिया जो हो गया आपका, उसके बाद डिजर्ट एरिया, डिजर्ट एरिया में क्या हो गया 20,000 रहता है, जबकि 30,000 आपका कहाँ रहता है रूरल, रूरल एरिया जो होता है आपका वहाँ क्या होता है 30,000 पॉपुलेशन रहता है पीएचसी कवर करता है, तो आपका इसका आंसर हो गया 20,000 से 30,000। ठीक, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर, तो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1997। उसके बाद है रागी फिंगर मिलट इज द रिच सोर्स ऑफ, रागी डैश का मुख्य स्रोत है, तो किसका स्रोत है कैल्शियम का, तो यह हो जाएगा आपका कैल्शियम। उसके बाद है 5वां परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल इज, तो यहाँ बोलने का मतलब है इसका पुरुष का अस्थायी रूप से बंध्याकरण का तरीका होता है, तो ये हो जाएगा आपका वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी क्या होता है पुरुष में बंध्याकरण का एक तरीका है, यानी कि वास डिफरेंस जो होता है उसको क्या किया जाता है कट करके बंध दिया जाता है, तो जिससे स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाता है टेस्टिस से बाहर, तो इसी को कहा जाता है वैसेक्टोमी। उसके बाद 6वां ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स सराउंडिंग मेन आर कॉल्ड्स, मनुष्य के चारों ओर के सभी बाहरी कारकों को डैश कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका है 7वां डैश वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट थायराइड एंड पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड से बचने के लिए डैश टीका दिया जाता है, तो कौन सा टीका दिया जाता है, तो इसका कोई पता नहीं है कौन सा टीका दिया जाता है। ठीक, आगे होगा तो बता देंगे। उसके बाद 8वां यूनिट फॉर मेजरिंग नॉइस इज नोन एज, तो शोर को मापने की इकाई डैश है, तो इसका हो जाएगा डेसीबल, डेसीबल्स जिसको डीबी बोला जाता है। उसके बाद आपका है माला एन एन, इसके बाद नमा है माला एन एंड माला डी इज एग्जांपल ऑफ डैश कंट्रासेप्टिक, तो माला एन और माला डी डैश गर्भ निरोधक के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरल कंट्रासेप्टिक।
तो ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कौन सा है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी टेबलेट है। उसके बाद दसवां आपका टेम्परेचर इज कोल्ड चेन इन इज मेंटेनेड बिटवीन डैश टू डैश, कोल्ड चेन में तापमान डैश से डैश रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 to 6 degrees Celsius, 2 to 6 degrees Celsius तक मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री, किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो पहला आइडियल वेल आदर्श कुआं, इसी तरह से बी में है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद सी में है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद यूज ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स का उपयोग। ठीक, तो इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो यदि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आया। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।